गाइस साइकिल में एक दिक्कत आ गई है। मेजर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ आ रहा हूँ। रुको, देखो ट्रेन बुला रही है, तो आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग। चलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं हूँ दार्जिलिंग से 20 किलोमीटर पहले, क्योंकि कल अंधेरा हो गया था इसलिए दार्जिलिंग नहीं गया। अंधेरे में राइड करना अच्छी बात नहीं है। तो अभी जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, कितना गजब का व्यू आ रहा है भाई। तो चेक करो गाइज, ऑफ क्या व्यू है भाई, देखो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और फिर बादल और ठंड। और यहाँ का टेम्परेचर है फिलहाल 6 डिग्री, और दार्जिलिंग जाऊँगा तो 3-4 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर जाना है। और ये इधर है सोनादा शहर, तो हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है, अभी यहाँ से निकलते हैं, बस सामान साइकिल पे लोड करना है, तो आपसे आगे मिलते हैं। तो मैं अपने स्टे से निकल चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ सोनादा, जो 1893 में ये रेलवे स्टेशन बना था, देख सकते हो ये सोनादा का रेलवे स्टेशन है, और दार्जिलिंग रहता है 15 किलोमीटर। चलो चलते हैं। गाइस साइकिल में एक दिक्कत आ गई है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दिक्कत तो है ही भाई। ये देखो तो ऐसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं दार्जिलिंग से, 15 किलोमीटर ही है। तो पहले दार्जिलिंग चलते हैं और फिर इसको ठीक करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई। अभी एक टूटी है, फिर कई टूट जाएंगी एक साथ। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन पे। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है, और अगर उधर पीछे देखोगे आप वहाँ पे तो इंजन खड़े हैं काफ़ी सारे। अभी पहले मैं अपना स्टे देख लेता हूँ, उसके बाद आपको घुमाएंगे दार्जिलिंग में। सो गाइस फाइनली रूम मिल गया है, और भाई सीज़न के टाइम में 1200 रुपये में। हाँ रूम दिखाऊँ भाई साहब, तुम लोग कहोगे क्या रूम है, देखो बेड अटैच बाथरूम है, बढ़िया से अलमारी है, और इधर से व्यू दिखाऊं आपको भाई साहब, ये देखो व्यू, क्या बोलती पब्लिक। तो अभी पहले सामान उतार लेते हैं, उसके बाद एक दो चाय मैगी, और फिर चलते हैं घूमने दार्जिलिंग में। तो भाई फ्रेश वगैरह हो लिए, नहा लिया, अब व्यू देखो दार्जिलिंग का, और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। हाँ आ रहा हूँ। रुको, देखो ट्रेन बुला रही है, तो आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग। चलिए। ये भाई दार्जिलिंग का माल रोड, और यहाँ पे देखो न्यू ईयर की पार्टी के लिए डीजे लगाया है। ये कैबिन से यहाँ पे शॉप है सारी, तो आज शाम को आपको यहीं का फंक्शन दिखाते हैं, अभी बस स्टार्ट होने वाला है क्योंकि बैंड आ चुका है। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं दार्जिलिंग, और यह है दार्जिलिंग का माल रोड, यहां पे अभी तैयारी चल रही है भाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। यह है 31 दिसंबर टुनाइट, तो आप लोग देख सकते हो अभी ये लोग साउंड चेक कर रहे हैं। लेट्स चेक। मतलब इस जगह पे पहुंच के ना मेरे को थोड़ी थोड़ी शिमला की याद आ गई, पता है क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये सामने चर्च है इधर, बस इस चर्च की वजह से, और भाई ये बिल्डिंग देखो कितनी खतरनाक बिल्डिंग है। ओ भाई साहब कितनी खतरनाक बिल्डिंग है ना। तो अभी हम जा रहे हैं टी गार्डन देखने, आपको टी गार्डन दिखाते हैं दार्जिलिंग के, चलिए हमारे साथ। तो ये देखो दोस्तों, जो ये भाप उठ रही है ना, धुएं उठ रहे हैं यहाँ पे, एक ये यहाँ और एक ये यहाँ, ये है ट्रेन चल रही है, और भाई ये है आपका दार्जिलिंग, और इधर पड़ जाता है आपका घूम, और ये आप जो नीचे देख रहे हो मेरे, ये है सब टी गार्डन। अभी इनके बीच से आपको वॉक करके दिखाते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है गाइस दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन,
अभी ट्रेन छुट्टी है भाई, हम बस पहुंच ही गए थे। सो ये है गाइस स्टीम इंजन, ये देख सकते हो भाप निकल रही है अभी तक, मतलब ये अभी आके खड़े हुए हैं। जहाँ पे भाई ये जो दार्जिलिंग की ट्रेनें चलती है ना, टॉय ट्रेन, और इसके आगे लाइट देखो भाई कितनी बड़ी लगा रखी है ना। ओ भाई साहब, तो भाई घूम फिर के आए थे, थोड़ा थक गए, भूख भी लगी है, तो अभी इधर खा रहे हैं चाउमीन और एक रोल, देख रहे हो मोमोज खा रहा लोंडा। अभी अपना चल रहा है,